आज हम अपने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3 का इंट्रोडक्शन पॉलिनोमियल का। ठीक है, देखिए हम कैसे करने वाले हैं आज इसको। आज में एक ही चीज पढ़नी है आपको, ज्यादा नहीं पढ़ना। क्या पढ़ना है आपको? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम बताने से पहले मैं आपसे एक चीज और क्लियर करना चाहता हूँ आपका। देखिए जैसे आप सिंपल डिवाइड करते हैं ना, वैसे डिवाइड करना है हमको। देखिए हम डिवाइड करके एक बार बताते हैं आपको। यहाँ पे मान लीजिए 3 है, यहाँ पे 2 है, डिवाइड करो कैसे होगा डिवाइड? यहाँ पे 1, 2 एंड देन खत्म। ठीक है, ये फिर से आपको ये पता है, इस तरीके से हम डिवाइड करते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप छोटी क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, यहाँ पे क्या पढ़े होंगे आपने कि ये जो बचा हमारा लास्ट में, इसको बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं हम? कोट्रेंड। ठीक है, क्या बोलते हैं कोट्रेंड, कोटेंड। और इसको हम क्या बोलते हैं? डिविजर। इसको क्या बोलते हैं? डिविजर। और इसको हम क्या बोलने वाले हैं? डिविडेंड, डिविडेंड। ये चीज तो आपको पता होगी, है ना? अच्छा, डिविडेंड। और इसको हम क्या बोलते हैं? रिमाइंडर, रिमाइंडर। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो ये आपका कोटेंट है, मैं इसको लिखता हूँ क्यू से। ठीक है, किससे? क्यू से, स्मॉल क्यू से डिनोट करता हूँ मान लीजिए। और देखिए ये डिविडेंड जो है ना, इसको मैं लिखता हूँ, इसको ऐसे ले रहने दीजिए, और इसको मैं लिखता हूँ आर से। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। अच्छा, रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है हमसे? रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है? आपने डिवाइडेंड चेक पढ़ा होगा। रिमाइंडर थ्योरम से ये बोलता था, डिवाइडेंड चेक में ध्यान दीजिए, छोटी क्लास में डिवाइडेंड चेक आपने पढ़ा होगा। क्या होता था? अगर आपको इसको चेक करना है आपने ठीक करा है या नहीं करा है, तो आप जो यहाँ पे आंसर आता था वन को क्या करते थे? 2 से मल्टीप्लाई, है ना? फिर यहाँ पे क्या आ जाता था? 2। फिर हम इसमें रिमाइंडर को जोड़ देते थे प्लस 1, तो हमें क्या मिल जाता था? 3। यानी कि हमें देखिए क्या मिल गया, हमें मिल गया डिविडेंड, यानी कि हमारा आंसर सही था। ऐसे तो करते हैं डिवाइड एंड चेक। तो देखिए आपने ये क्या था बताइए, ये क्या है हमारा? डिविडेंड। ये क्या है? डिविडेंड। ठीक है, डिविडेंड। अच्छा यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए 1 क्या था आपका? कोट्रेंट, कोट्रेंट। ठीक है, कोट्रेंट। ठीक है, अच्छा फिर देखिए 2 क्या है हमारा? 2 देखिए 2 क्या है हमारा? 2 है डिविजर। 2 क्या है हमारा? डिविजर। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा फिर मान लीजिए यहाँ पे ये जो है, ये क्या है मेरा? रिमाइंडर, रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर है ये। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ है हमारा? प्लस हुआ है। अब देखिए एक चीज कि कोट्रेंट इंटू डिविजर, यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखिए कोट्रेंट, कोट्रेंट इंटू इंटू डिविजर, डिविजर, कोट्रेंट इंटू डिविजर प्लस, देखिए प्लस में हमने क्या करा? रिमाइंडर, रिमाइंडर, रिमाइंडर। तो हमें बताइए क्या मिल गया? हमें मिला है बच्चों डिविडेंड। क्या मिला है? डिविडेंड। ठीक है, तो आप यही चीज, ये जो चीज है ना आपको मैं लिखी, ये जो आपको चीज मैंने लिखी ना, इसी को बोलते हैं रिमाइंडर थ्योरम। कौन सा थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम। बिल्कुल भूलने वाली बात, कभी भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। बस आपको याद रखना है कि डिविडेंड बराबर क्या होता है? होता है कोटेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। बस आपको इतनी चीज याद रखनी है और कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, डिविडेंड इक्वल टू कोटेंट इनटू डिविजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिक्कत यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं डिविजर और डिविडेंट में। ठीक है, तो आपको इसमें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए और हम इसको अभी आगे करेंगे। ठीक है, तो मिटा दूं मैं, हो गया ये, आपको याद हो गया। चलिए इसी तरीके से एक हलवा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हलवा क्या होता है सर? देखिए हलवा सा क्वेश्चन का मतलब है कि इसी के बेस पर अब ऐसे आपको डिवाइड तो करना नहीं होगा, डिवाइड आपको क्या करना होगा? पॉलिनोमियल्स को। ठीक है, तो देखिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अपने बुक का एग्जाम्पल ले लेते हैं और अपने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल से क्वेश्चन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में क्या देखा इन्होंने, इन्होंने दे रखा है कि आपको, आपको जी यहाँ पे बताता हूँ मैं एक मिनट, आपको आपको जो है इसको डिवाइड करना है, एक्स प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, इसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है ना, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा, इसको आपको डिवाइड करके दिखाना है। तो देखिए मैं कुछ आपको यहाँ पे स्टेप्स लिख के दिखाऊंगा, और ये मेरा बताने का ये था कि हम रिमाइंडर थ्योरम क्या है हमारा, आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। इसको डिवाइड करके देखते हैं, जरा मिटा दूं। चलिए नोट जरूर करते रहिए प्लीज बच्चों, प्लीज नोट। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे स्टेप्स लिखता हूँ जो आपको इसको करते समय लेने हैं। ठीक है, तो ये स्टेप्स लिखना इसलिए जरूरी है ना, ताकि आप करें तो क्वेश्चन आप एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी, देर लगेगी लेकिन दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जब आप वो प्रोसीजर आप बार बार फॉलो करेंगे तो आपको खुद ही आदत बन जाएगी उसके, और वो आपको ठीक तरीके से आने लग जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोसीजर सही से फॉलो करना है। ठीक है, पहले स्टार्टिंग में जब आप स्टार्टिंग में कर रहे हैं तो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम इसको करते हैं डिवाइड। देखिए डिवाइड करने से पहले आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि देखिए वेरिएबल की पावर जितनी ज्यादा उसको आप सबसे पहले लिखिए। देखिए यहाँ पे जैसे वेरिएबल की पावर कौन सी सबसे ज्यादा है? एक्स का स्क्वायर, तो इसको सबसे पहले लिखा जाएगा 3x का स्क्वायर, सही है। अच्छा फिर देखिए ये क्या है मेरा? प्लस एक्स, फिर ये क्या मेरा? माइनस 1। क्लियर हुआ, नीचे आइए, नीचे क्या है देखो, पहले एक्स प्लस 1, क्लियर हो गया क्योंकि एक्स की पावर 1
और यहाँ पे कोई एक्स नहीं है तो हम इस तरीके से लिखेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करने वाला है, करने वाले हम इसको डिवाइड करना है आपको सिंपली सिंपल सिंपल। देखिए डिवाइड इस तरीके से लिखिए, ठीक है, ये ऊपर है तो यहाँ अंदर आएगा थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन और नीचे क्या आ जाएगा एक्स प्लस वन। क्लियर हुआ, इसको आपको डिवाइड करना है। देखिए स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर वन कैसे वन, देखिए सबसे पहले डिविडेंट का जो पहला टर्म है, डिविडेंट का पहला जो टर्म है, देखिए डिविडेंट का पहला टर्म कौन सा है ये वाला, इसका जो पहला टर्म है वो कौन सा है एक्स है, समझ में आया। इसका पहला टर्म, तीन टर्म है ना, एक टर्म दो टर्म तीन, लेकिन हमें पहला लेना है इसमें से, और इसमें से भी पहला। अच्छा डिविडेंट का, डिविडेंट डिविडेंट एंड 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 डिविजर, डिविजर का, डिविजर का पहला टर्म लीजिए, हाँ टेक फर्स्ट टर्म, ठीक है टेक फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड दोनों को आपस में डिवाइड कर देना, और आपको ये कर देना है डिविडेंट का जो पहला टर्म होगा अपॉन डिविजर का, डिविजर के पहले टर्म से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म, फर्स्ट फर्स्ट टर्म, ठीक है ना, इसका फर्स्ट टर्म, इसका भी नीचे आ जाएगा फर्स्ट टर्म, दोनों को आपस में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो पहले स्टेप कर दो अपना, देखिए इसका पहला टर्म क्या है थ्री एक्स का स्क्वायर, थ्री एक्स का स्क्वायर, और नीचे बताइए क्या है मेरा, नीचे है यहाँ पे x है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया x। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा थ्री इंटू एक्स इंटू एक्स, और नीचे क्या है हमारा एक x, तो देखिए इस x से इस x कट गया, तो बताइए यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा थ्री एक्स, ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर हुआ, एक x से एक x कट जाएगा, तो क्या आ गया हमारा थ्री एक्स, स्टेप नंबर वन हो गया ये। अच्छा यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना स्टेप नंबर वन, उसको आपको यहाँ पे पुट कर देना है थ्री एक्स, ठीक है क्लियर हुआ। अच्छा नेक्स्ट जो है स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू में देखिए आपको क्या करना है, स्टेप नंबर टू में आपको करना है जो आपको स्टेप वन से मिला है 3x, इसको आपको इसके इधर ये जो है आपका डिविडेंड, ठीक है सॉरी डिविजर, डिविजर में आपको मल्टीप्लाई करना है इसका, तो डिविजर क्या है मेरा, देखिए डिविजर क्या है x प्लस वन, x प्लस वन, इसमें आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना, जो आपको ऊपर से रिजल्ट मिला इसका डिविजर में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करेंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करना है, देखिए थ्री एक्स इंटू एक्स प्लस 3x into 1 हो गया। यहाँ पे बताइए क्या आने वाला है हमारा आंसर, आ जाएगा देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई, तो x का x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x 3x का स्क्वायर, एंड यहाँ पे देखिए 3x का 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा, क्या आएगा 3x आएगा, क्या आएगा 3x आएगा, सही है। अच्छा फिर इस चीज को आपको यहाँ पे पुट कर देना सीधा ले जाके, ठीक है सीधा ले जाके, ठीक है हम सब टेढ़ा ले जाएंगे, सीधा नहीं ले जाएंगे, क्यों क्यों बच्चों, सीधा ले जाइए, ठीक है। अच्छा स्टेप नंबर थ्री में यहाँ पे जो आंसर आपको मिला उसका साइन चेंज कर देना है, क्या करना है साइन चेंज, तो यहाँ पे जो मिलेगा आपको इसमें क्या करना है साइन चेंज कर देना है, साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या मिला है मेरे को, यहाँ पे मिला था, यहाँ पे देखिए मेरे को मिला थ्री एक्स का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स, अच्छा इसका साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे बताइए, यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा माइनस में थ्री एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में थ्री एक्स, तो ये आपको क्लियर हो गया, यहाँ पे माइनस में आ गया और ये भी माइनस में आ गया। अब इस वाली चीज को आपको यहाँ पे ले जाके देखिए, यहाँ पे भी आपको साइन चेंज कर दे रहा है, माइनस हो गया एंड ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है आपको इतना क्लियर है। अच्छा उसके बाद देखिए यहाँ पे इन ये दोनों देखिए एक प्लस में है और एक माइनस में, तो ये इससे कट गया, मैंने साइन चेंज कर दिया, यहाँ भी ये प्लस में था तो अब किस में हो गया माइनस में, और यहाँ भी किस में था प्लस में, तो ये किस में हो जाएगा माइनस में। अब देखिए यहाँ पे क्या बचा आपका, बचा माइनस में थ्री एक्स, क्या बचा माइनस में थ्री एक्स, लिखूँ देखिए हाँ, यहाँ पे देख लीजिए जरा, ये देखिए क्या है मेरे पे माइनस में थ्री एक्स, ठीक है प्लस में x, तो क्या आ जाएगा हमारे में, क्या आ जाएगा बताइए, तीन में से एक x चला गया तो क्या आ गया दो x, और साइन किसका आएगा माइनस में टू एक्स, तो यहाँ पे हम लिख दूँ माइनस का टू एक्स, और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का वन। क्लियर हुआ आपको, ठीक है। इतना हो जाने के बाद आपको यहीं पे आंसर नहीं छोड़ना, मैं बताता हूँ आपको, ये तीन प्रोसीजर दोबारा करते रहने हैं, मेरे कहने का मतलब है ये तीनों आपको प्रोसीजर बताएंगे, फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप थर्ड स्टेप, इसको आपको करते रहना है, ठीक है करते जब तक रहना है, जब तक यहाँ पे पावर देखिए x की कितनी है वन, जब तक यहाँ पे कितनी है पावर x की पावर वन, यहाँ पे जब इसकी पावर यहाँ वाले की पावर, जैसे यहाँ पे x की पावर जीरो हो जाए, मतलब समझ रहे ना, यहाँ पे सेम पावर नहीं होनी चाहिए। अच्छा तो हम करते हैं इनको आगे, तो आपको ये प्रोसीजर दोबारा यहाँ से करना है, कैसे करना है, इसका पहला वाला लेना है, ये है मेरा, ठीक है अब मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, देखिए ठीक है यहाँ तक आपका कंप्लीट है वो, यहाँ पे देखिए पहला टर्म क्या है माइनस में टू एक्स, माइनस में टू एक्स, माइनस को भी कंसीडर करेंगे, इसका पहला टर्म क्या है अपॉन एक्स, अब देखिए इन दोनों से ये कट गया, क्या आ गया माइनस में टू, तो आपको यहाँ पे लिख लेना, देखिए यहाँ जगह नहीं बच रही है, मैं यहीं लिख देता हूँ माइनस में टू, पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप ये था स्टेप नंबर वन,
स्टेप नंबर टू देखिए, स्टेप नंबर टू में क्या करना है, माइनस का टू, ठीक है, क्या है आपका माइनस का टू, इस माइनस का टू को आपको इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, क्या है मेरा एक्स प्लस वन से, एक्स प्लस वन से, तो करिए इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, तो करेंगे तो क्या आएगा बताइए, माइनस में टू एक्स, ठीक है, माइनस में टू एक्स आया, फिर माइनस में टू एक्स को वन से करेंगे तो माइनस का टू हो गया, हो गया। यहाँ पे फिर स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री इनका साइन चेंज कर देना है, जैसे ये माइनस में तो ये किसमें आ जाएगा पॉजिटिव में टू एक्स, और ये भी आ जाएगा पॉजिटिव में टू, तो बस आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ले जाना है आपको टू एक्स प्लस टू, नहीं प्लस मत लिखिए अभी एक मिनट, अच्छा यहाँ पे क्या था टू, अच्छा यहाँ पे पहले इसको लिख लीजिए माइनस और ये भी माइनस, अब साइन चेंज करके दिखा दो कि प्लस में हो गया हमारा, अब देखिए ये दोनों कट गए हमारे और टू में से बन गया क्या आ गया वन आ गया, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए एक्स की पावर कितनी है वन, यहाँ पे क्या आ गया जीरो, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से करना है, आप देख सकते हैं एक बार इसे नोट कर ले, और ये आपको स्टेप तीन याद, तीन स्टेप याद रखने हैं आपको, पहला कि डिविजर का पहला टर्म और डिविडेंड का पहला टर्म, उन दोनों को डिवाइड कीजिए, जो आंसर है उसको डिविजर से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर जो आंसर है उसका साइन चेंज कर दीजिए, बस आपका इतना काम है, फिर आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, और फाइनली आपको रिमाइंडर कोटेंट और डिविजर डिविडेंट ये तीनों मिल गए आपको, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है, क्लियर हुआ आपको, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हम अगला करें, अगला क्वेश्चन करें, एक मिनट नोट करिए। हाँ तो अपना हम नेक्स्ट करते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो है हमारे ये है, ठीक है, एग्जांपल नंबर सेवन, देखिए इसको करेंगे कैसे, हम सबसे पहले आपको इस तरीके से डिवाइड का साइन लगा लेना है, क्या है हमारे पे बताइए, क्या क्या है, थ्री एक्स का क्यूब, ठीक है जी, माइनस एक्स का स्क्वायर, माइनस एक्स माइनस फोर, और बाहर क्या है हमारा एक्स माइनस वन, इसको डिवाइड करना है, पहले आप प्रोसीजर फॉलो कीजिए, इसका पहला टर्म क्या है हमारा थ्री एक्स का क्यूब, और इसका पहला टर्म क्या है हमारा एक्स, तो हम यहाँ पे रखते हैं थ्री एक्स का क्यूब अपॉन इसका पहला टर्म डिविजर का क्या है हमारा एक्स है, तो यहाँ पे रख लिया हमने, अब इन दोनों को आप कट कर लेंगे तो आ जाएगा देखिए एक एक्स यहाँ पे खत्म, तो थ्री एक्स का स्क्वायर, क्लियर हुआ आपको, ठीक है, तो आपको यहाँ पे अब इसको रख लेना है थ्री एक्स का स्क्वायर, फिर अगेन आपको जो ये ऊपर मिला थ्री एक्स का स्क्वायर, इसको क्या करना है मल्टीप्लाई कर लेना है किससे, डिविजर से, डिविजर क्या है हमारा एक्स माइनस वन, ठीक है, तो देखिए करेंगे तो क्या आएगा, इसको अगर आप इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा थ्री एक्स का क्यूब, ठीक है, और अगर आप इसको इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में थ्री एक्स का स्क्वायर, तो अगेन आपको यहाँ पे लिख लेना है देखिए थ्री एक्स का क्यूब, ठीक है, माइनस में थ्री एक्स का स्क्वायर, क्लियर हुआ आपको, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा, साइन चेंज कर लेंगे आप, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे क्या करना है साइन चेंज कर लेना है, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, तो ये थर्ड स्टेप था हमारा साइन चेंज का, यहाँ पे हमने साइन चेंज कर लिया, फिर देखिए यहाँ से ये दोनों खत्म, फिर यहाँ पे क्या आ गया वो थ्री एक्स का स्क्वायर, यहाँ करते हैं जरा यहाँ पे कर देते हैं थ्री एक्स का स्क्वायर, ठीक है, उसमें से हमने एक एक्स माइनस कर दिया, तो क्या आ गया हमारा बताइए टू एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे टू एक्स का स्क्वायर, फिर माइनस में एक्स उतारेंगे हम, ठीक है, अच्छा फिर आपको वही प्रोसीजर दोबारा फॉलो करना है, इसका पहला टर्म ये है, इसका पहला टर्म क्या है एक्स, देखिए टू एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स क्या मिलने वाला है आपको टू एक्स, तो इस टू एक्स को हम क्या रख लेंगे यहाँ पे टू एक्स, फिर आप इस टू एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए टू एक्स को मल्टीप्लाई कराना है एक्स माइनस वन से, तो क्या आंसर आएगा बताइए, इसको इससे करेंगे तो टू एक्स का स्क्वायर, इसको इससे करेंगे तो माइनस में टू एक्स, आपको यहाँ पुट कर लेना है स्क्वायर माइनस टू एक्स, और आपको यहाँ पे साइन चेंज कर देना है, तो यहाँ माइनस और यहाँ पे पॉजिटिव, ये दोनों आपस में खत्म, ठीक है, टू एक्स में से एक एक्स क्या क्या बचा एक्स बचा, ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या निकाल लेना है माइनस का फोर, फिर अगेन वही प्रोसीजर फॉलो करना है, इसका पहला टर्म लेना है, इसका पहला टर्म लेना है, दोनों को डिवाइड करना है, देखिए एक्स है और यहाँ भी हमारा क्या है एक्स, इसका पहला टर्म क्या है हमारा एक्स, इसका पहला क्या है एक्स, दोनों को डिवाइड कीजिए क्या आ गया आंसर वन, बस आपको इस वन को यहाँ पे रखना है, ठीक है, अब इस वन को इससे मल्टीप्लाई करवाना है इससे, तो देखिए वन को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे एक्स माइनस वन से, तो आंसर क्या आएगा एक्स माइनस वन ही आ जाएगा, तो आपको लिख लेना है एक्स माइनस वन, यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव साइन चेंज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, यहाँ पे देखिए माइनस का फोर प्लस का तीन कितना गया माइनस का तीन, तो ये कंप्लीट हमारा आंसर हो गया, ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, बहुत सिंपल है, अगर आप करेंगे ना एक बार तो आपको तुरंत आ जाएगा ये, ठीक है, अच्छा तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट, अच्छा ये तो था जो रटना जानते हैं, मतलब कि रटा बताया स्टेप ऐसे ऐसे थे धनाधन कर दिया, लेकिन उसके बाद जो है मैं आपको एक ऐसा रूल बताता हूँ, अगर आप ये पूरा प्रोसीजर नहीं फॉलो करते तब भी आप उसको कर लेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, कभी कभी ये भी काम आ जाएगा कब के आपके, और कभी कभी जो मैं आपको अभी एक चीज बताने वाला हूँ वो भी काम आ जाएगा, तो आपको दोनों को ध्यान से देखना है, ठीक है ना, तो देखिए क्या हमारा एग्जाम्पल नंबर एट लेते हैं हम, एग्जाम्पल नंबर एट, ठीक है, देखिए एग्जाम्पल नंबर एट क्या है हमारी, एग्जाम्पल नंबर एट है एक्स का क्यूब
प्लस वन को डिवाइड करके, डिवाइड करिए आप एक्स प्लस वन से, एक्स प्लस वन से आपको एक्स का क्यूब प्लस वन का क्यूब को एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है, ठीक है। तो देखिए इसको डिवाइड करने से पहले मैं आपको बताता हूँ क्या प्रोसीजर फॉलो करना है आपको। सबसे पहली चीज डिवाइड करना है ना, लिखिए डिवाइड करिए इसको जरा यहाँ पे, देखिए एक्स का क्यूब प्लस वन और एक्स प्लस वन, ठीक है डिवाइड करते हैं। अगर आपको इसको डिवाइड करना है तो पहली अप्रोच तो यह है, आप जैसे मैंने वर्किंग स्टेप बताया वैसे कर लीजिए, लेकिन एक अप्रोच ऐसी है जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या है एक्स का क्यूब, पहला टर्म लीजिए डिविजन का एक्स का, एक्स ओनली, ठीक है। डिविडेंड का पहला क्या है एक्स का क्यूब, क्या है एक्स का क्यूब। अब एक बात बताइए कि इसमें ये इसको इसको ये बनाने के लिए क्या चाहिए, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर का, बस बस यही पकड़ना है आपको, तभी तो एक्स का क्यूब बनेगा। हाँ तो क्या मल्टीप्लाई करवाया, एक्स का स्क्वायर, क्लियर हुआ क्या, क्या मल्टीप्लाई करवाया एक्स का स्क्वायर। तो बस इस वाली चीज को जिसका मल्टीप्लाई करवाया ना इसको यहाँ पे रखना है, हो गया बस। फिर उसके बाद वही सेम स्टेप नंबर टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। जैसे कि जो एक्स का स्क्वायर था एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवा लेना, क्या आ जाएगा बताइए, एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, हो गया। फिर यहाँ पे आपको रख देना है एक्स का क्यूब प्लस एक्स का स्क्वायर, फिर साइन चेंज कर देना, यहाँ नेगेटिव यहाँ पे नेगेटिव, देखिए ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर प्लस वन, ठीक है प्लस वन। फिर अगेन वही करना है आपको, देखिए इसका पहला टर्म क्या है मेरा एक्स है, और यहाँ पे क्या है माइनस का एक्स का स्क्वायर। अब देखिए इसको आपको यहाँ पहुंचाना है, तो क्या चाहिए आपको, एक तो माइनस चाहिए इसके आगे, और क्या चाहिए बताइए, एक तो मेरे को इसमें मल्टीप्लाई करवाना है किसका, माइनस का, और एक एक्स का भी, तो क्या आ गया माइनस में एक्स, यहाँ पे क्या रख देंगे माइनस में एक्स। अब इस माइनस के एक्स को इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है, माइनस में एक्स को एक्स प्लस वन से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है करवाते हैं इसको, इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में एक्स का स्क्वायर। और देखिए इस वाली चीज को जब आप इससे करेंगे तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस और एक्स इंटू वन क्या आ जाएगा एक्स, तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया माइनस में एक्स का स्क्वायर और माइनस में एक्स, क्लियर हुआ। फिर साइन चेंज, यहाँ पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव, फिर ये दोनों आपस में कट गए, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बच जाएगा एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन, ठीक है क्लियर हुआ। यहाँ पे देखिए ऊपर वाले साइन को आपको ध्यान नहीं देना है, आपको नीचे वाले साइन से काम करना है, ठीक है। तो क्या आ गया एक्स प्लस वन, फिर यहाँ पे देखिए अभी और करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर क्या है वन है, यहाँ पे पावर क्या है वन है, जब तक यहाँ पे पावर कम नहीं हो जाती जब तक हमें करते रहना है। तो दोबारा आपको इसका पहला लेना है क्या है मेरा एक्स, और इसका पहला क्या है हमारा एक्स, तब देखिए एक्स से एक्स पे पहुंचना है तो किसका मल्टीप्लाई, किस वन का है ना, वो खुद ही पहुंचा हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस वन। अब इस वन को इससे मल्टीप्लाई करवा लोगे दोबारा आंसर आ जाएगा एक्स प्लस वन, फिर साइन चेंज या नेगेटिव नेगेटिव ये दोनों कट गया आपस में, आ गया आंसर जीरो। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा, रिमाइंडर क्या आ गया इसका जीरो आ गया, ये आपको क्लियर हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, प्लीज नोट कर लीजिए, इसे नोट हो गया, चलिए चलिए बच्चों बहुत बढ़िया, ये समझ में आया जो ये कॉन्सेप्ट बताया मैंने, ठीक है। सोचने वाला कॉन्सेप्ट है, रटने वाला नहीं है, रटिएगा तो कभी नहीं हो पाने का, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर नाइन हम करते हैं, एग्जाम्पल नंबर नाइन, देखिए एग्जाम्पल नंबर नाइन, ठीक है। देखिए एग्जाम्पल नंबर नाइन क्या है, एक मिनट जरा, हाँ एग्जाम्पल नंबर नाइन है हमारा, देखिए एग्जाम्पल नंबर नाइन क्या है, एग्जाम्पल नंबर नाइन है, देखिए ये अच्छा है, फाइंड द, उन्होंने बोला है फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स की पावर क्यूब माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो आपको रिमाइंडर पता करना है, एक बात सुनो, इस क्वेश्चन को करने के आपके दो तरीके हैं, वो तरीका क्या है, एक तो बड़ा वाला डिवाइड कर लो और आंसर देख लो, ठीक है। ये दो तरीके हैं आप पे, ठीक है, एक तो सीधा सीधा ये है, ठीक है, आप इसको डिवाइड कर लो और डायरेक्टली आंसर देख लीजिए। लेकिन एक और तरीका जो है बड़ा शॉर्टकट है और बहुत ईजी से, अगर सिर्फ आपको रिमाइंडर पूछा है क्वेश्चन में तो आप क्या करिए, देखिए मेरे साथ, रिमाइंडर अगर पूछा है ना तो आप क्या करिए, आप देखिए क्या करिए, यहाँ पे जो ये वाली चीज है ना एक्स माइनस वन, इसको रख दीजिए जीरो के बराबर, और यहाँ से निकाल लीजिए एक्स की वैल्यू इक्वेशन सॉल्व करके, कैसे निकलेगी देखिए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये माइनस में जाएगा तो प्लस में निकल गया एक्स बराबर वन। कुछ भी नहीं करना आपको, इसमें ले जाके वन को आपको पुट कर देना है, आंसर आ जाएगा। देखिए जैसे कि मेरे को पॉलिनोमियल बताओ क्या दे रखा था, पॉलिनोमियल दे रखा था मेरे को एक्स की पावर फोर
प्लस एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको बस आपको यहाँ पे रखना है पी, यहाँ पे क्या आ गया वन, और यहाँ पे आपको इसको रख देना है ठीक है। देखिए आ जाएगा वन की पावर फोर प्लस प्लस वन का क्यूब ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस में, अब बताइए क्या आ जाएगा माइनस में, टू इंटू वन का स्क्वायर प्लस वन प्लस वन ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए एक्स की पावर फोर क्या आएगा, वन ही आएगा, यहाँ पे एक्स की पावर तीन वन ही आएगा, माइनस में देखिए यहाँ पे टू इंटू एक्स का स्क्वायर वन ही आएगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा वन प्लस वन टू ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, वन प्लस वन टू आ गया, ये माइनस में टू और यहाँ पे क्या है हमारा प्लस में टू, तो देखिए ये दोनों आपस में खत्म, यहाँ पे क्या आ गया आंसर टू। तो हम देख सकते हैं यही जो चीज है हमारी, ये जो चीज आई ना टू, तो हम बोल सकते हैं इसको तो मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, रिमाइंडर जो होगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या आ जाएगा मेरा टू आ जाएगा। तो कंप्लीट क्वेश्चन है हमारा ठीक है, टू आ जाएगा। देखा आपने कितनी सिंपल तरीके से मैंने रिमाइंडर पता कर लिया। अब आप डिवाइड करते हैं ठीक है इतनी बड़ी चीज को, फिर आपको रिमाइंडर पता चलता, लेकिन हमने इसको डायरेक्टली पता कर लिया इजिली ठीक है। तो कंप्लीट हुआ, और चाहे तो आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको लिखा हुआ लॉन्ग डिवीजन से तभी आप करें, वरना अगर आप लिखा है सीधा रिमाइंडर पता कीजिए तो आराम से इस तरीके से कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो नेक्स्ट करते अपना हो गया। चलिए अगला जो है हमारा लास्ट एग्जाम्पल है उसको करके खत्म करते हैं, फिर कल से करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 ठीक है, 1.3 ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला है उन्होंने एग्जाम्पल नंबर 10 में देखिए क्या बोला है एग्जाम्पल नंबर 10 में। उन्होंने बोला है चेक वेदर ये इंपॉर्टेंट है, एक तो इससे पिछले वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था और एक एग्जांपल नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, प्लीज उस बुक में इंपॉर्टेंट लगा ले। चेक वेदर पॉलीनोमियल क्यू टी इक्वल्स टू 4t³ + 4t² -t - 1 ठीक है, इज मल्टीपल ऑफ 2t + 1। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है ना, आपके ध्यान से पढ़ना आपको क्वेश्चन। इसने बोला चेक वेदर बताइए कि जो पॉलिनोमियल है हमारा ये इसका मल्टीपल है। जैसे मैं बोलूं आपको बताइए जो 6 है ना, देखिए 6 है वो 2 का मल्टीपल है, आपको ये दिखाना है 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, यानी कि 2 के टेबल में आता है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करके देखेंगे, डिवाइड इस तरीके से करके देखा 6 2 क्या आ गया हमारा 3 बारी में 6 खत्म। अगर रिमाइंडर आपका अगर 0 आ गया, रिमाइंडर अगर आपका 0 आ गया तो हाँ जी ये इसका मल्टीपल है, यानी कि 6 जो है 2 के टेबल में आता है, मल्टीपल का मतलब ये होता है। डिवाइड करने पे देखा आपको रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। यहाँ से एक बात क्लियर हो गई, अरे अगर ऐसा कभी भी क्वेश्चन पूछा हो और अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि रिमाइंडर उसका क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मेरा काम तो हो गया, मैंने बता दिया अपना आंसर, पता चल जाएगा मुझे मल्टीपल होगा या फिर नहीं होगा। तो वही करने वाले हम, करने क्या वाले हैं, देखिए मुझे पता करना है कि ये इससे डिविजिबल होगा या नहीं होगा, सॉरी मल्टीपल है या फिर नहीं है, यानी कि ये इसके टेबल में आता है या नहीं आता है। तो आपको सिर्फ रिमाइंडर पता करना है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो हमारा काम हो गया ठीक है। देखिए रिमाइंडर पता करने का, देखिए सिर्फ रिमाइंडर पता करना उद्देश्य है हमारा, हम क्या चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, एम क्या है कि रिमाइंडर पता करें। और रिमाइंडर किस तरीके से पता करने का बताया है मैंने, देखिए इसको जो 2t है 2t + 1 ये जो चीज है इसको 0 की इक्वल रखिए, यहाँ से t की वैल्यू निकालिए, देखिए 2t बराबर ये देखिए प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, t की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 1/2, तो t की वैल्यू आ गई। अब आपको सिंपल यहाँ पे ले जाके पुट कर देना जो आपको qt दे रखा था, qt बराबर क्या है हमारा 4t³ + 4t² - t - 1। बस रखिए यहाँ पे q की वैल्यू क्या है माइनस में 1/2, टी की वैल्यू क्या है माइनस में 1/2, तो यहाँ पर रख देते हैं हमारा क्या है 4, टी की वैल्यू कितनी है माइनस में 1/2 का क्यूब हो गया प्लस में 4, यहाँ पे क्या है टी की जगह माइनस में 1/2 का स्क्वायर माइनस में 1/2 ठीक है। और यहाँ पे देखिए किस में माइनस में टी था, तो यहाँ पे देखिए टी की जगह क्या आ जाएगा माइनस में 1/2, फिर क्या है माइनस में 1। उसके बाद देखिए आपको इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, यहाँ पे इस चीज को देखिए माइनस में 1/2 का होल क्यूब, इसको सॉल्व करना है ना, तो देखिए पहले आपको 1 का क्यूब भी करना पड़ेगा, फिर 2 का क्यूब भी करना पड़ेगा, और फिर इस माइनस का भी क्यूब करना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप, इस माइनस का भी क्यूब करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूं माइनस 1 की जगह क्यूब ठीक है, या फिर एक और तरीका है मेरे पे, एक और तरीका क्या है देखिए, उस तरीका आसान से थोड़ा, यहाँ पे इसको मान लीजिए माइनस 1 है, तो माइनस 1 का क्यूब, फिर
टू का क्यूब कर लीजिए आप, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या आ जाएगा, माइनस वन का क्यूब यानी कि वन माइनस वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस वन, तो माइनस माइनस प्लस, फिर वन का इंटू वन में ये आ गया वन इंटू माइनस में वन, देखिए इसमें क्या आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस और वन का इंटू वन में माइनस वन, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा माइनस में वन। ठीक है, देखिए माइनस वन की पावर कभी भी अगर ओड होगी तो नेगेटिव में ही आएगा वो, और यहाँ पे क्या आएगा टू की पावर थ्री एट आ गया, तो क्या आ गया माइनस में वन बाई एट, तो माइनस में वन बाई एट आ गया, ये वाली चीज है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखते हैं हम यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस इंटू, यहाँ पे करेंगे सेम, तो सेम देखिए सेम इस तरीके से माइनस में वन बाई टू का स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ माइनस में वन का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर, तो देखिए माइनस में वन का स्क्वायर क्या होगा वन। ठीक है, अगर देखिए यहाँ पे इवन है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, अगर ओड है तो वन नेगेटिव में आ जाएगा, यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा टू का स्क्वायर फोर, तो क्या आ गया वन बाय फोर, तो यहाँ पे लिख दूंगे वन बाय फोर, यहाँ पे माइनस देखिए माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस वन बाय टू और माइनस में वन। ये कैलकुलेशन आपको सही करनी है बिल्कुल, यहाँ पे बताइए क्या आएगा, इसको इससे काट दूंगे तो यहाँ आ गया माइनस में वन बाय टू। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखिए ये इससे कट जाएगा, क्या बचा सिर्फ प्लस में वन, ये प्लस में वन बाय टू और ये माइनस में वन। अब देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, तो दोनों आपस में कट गए, ये भी आपस में कट गया वन से वन, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया जीरो, यानी कि आपने एक चीज देखा कि रिमाइंडर क्या आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया है जीरो। ठीक है, रिमाइंडर क्या आ गया आपका जीरो, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू बोल सकता हूँ क्या आ गया जीरो। देखिए अगर रिमाइंडर जीरो आ गया तो यस आपको बस यहाँ पे लिखना है यस यस क्यू टी इज मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ टू टी प्लस वन, और ये क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट, आप इसे लिख ले, ठीक है समझ ले एक बार, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और पेपर में आता है दो मार्क्स का। ठीक है, दो मार्क्स का, इससे ज्यादा का भी आ सकता है, तो आप ये ध्यान करें, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, मेरे से इसने पूछा था क्या ये इसकी टेबल में आता है, इसकी टेबल में यह आता है, तो मुझे पता अगर कोई भी किसी के टेबल में आता है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आने वाला है जीरो, तो मैंने इसलिए इसका रिमाइंडर डायरेक्टली पता कर लिया, मेरा आंसर आ गया जीरो, तो मैं लिख दूंगा यस। ठीक है, ये आंसर। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है वो होने वाला हमारा एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। ठीक है, तो आप तब तक थोड़ा प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चनों को, और अगर कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज वीडियो को पॉज करें, थोड़ा पीछे जाए, नोट करें कॉपी में, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो अगली एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता के चलूंगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और ऑल द वेरी बेस्ट।